की स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। इससे पहले हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक क्या होती है। इसके अलावा जो बैंक्स जिसको फाइनेंशियल मीडिएटर्स माना गया है, तो फाइनेंशियल मीडिएटर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, वो बैंक का होता है। इसके अलावा पढ़ा था बैंक में क्या क्या जो फैसिलिटीज होती है, जो अवेलेबल करवाती है, उसके पहले हमने पढ़ा। आज एक टॉपिक रहेगा, वो रहेगा रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का रोल हमारे लाइफ में क्या होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो बैंक्स क्या है, पहले बैंक आपको पता है बैंक्स क्या होती है। जो बैंक आपके डिपॉजिट पे एक्सेप्ट करती है, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, बैंक अगर आपसे अगर जैसे कि जो जब भी आपको नीड होती है, वेन एवर वी नीड, तो बैंक क्या करती है, आपको उसमें पैसे देने का काम भी करती है, ठीक है ना। तो बैंक्स ऐसे देखें तो मतलब एक अपनी जो सेविंग्स होती है उसको स्टोर करने का काम करती है, ठीक है ना। इसके बदले में इसके एक्सचेंज में अपन को क्या मिलता है, उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। तो उसी रिलेटेड सब जो फर्स्ट लिखा हुआ है कि जो हाई रेट ऑफ डिपॉजिट्स इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, कोई भी कंट्री होती है जो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि हाई रेट में उसके पास में बैंक के अंदर डिपॉजिट होना चाहिए। यानी बैंक के अंदर जितना अमाउंट रहेगा, जितना ज्यादा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट रहेगा, तो कंट्री होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लियरली कर सकती है, सही तरीके से कर सकती है। नेक्स्ट, बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स व्हिच प्रमोट द हैबिट्स ऑफ सेविंग। बैंक्स होती है वो क्या करती है, डिपॉजिट, अगर हम मनी को डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट देने का काम कौन करता है, बैंक करता है। यानी अगर आपने बैंक में कोई पैसा अगर इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट करवाया है, तो उसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। और जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे जो सेविंग करने की हैबिट्स होती है वो क्या होती है, प्रमोट होती है। कि जैसे आपको बोले कि अगर आपको 100 रुपीज बैंक में जमा करवाना है, वन मंथ के बाद देखोगे तो आपको उस पर 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और इससे क्या होती है, जो सेविंग करने की हैबिट्स होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये भी एक बैंक का रोल माना जाता है। नंबर थर्ड, डिपॉजिटेड मनी विद द बैंक्स यूटिलाइज्ड इन वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। बैंक्स होती है जो डिपॉजिटेड मनी बैंक्स के अंदर होती है, यानी बैंक के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट होता है, तो बैंक क्या करती है, उस जो मनी होती है, डिपॉजिट्स होते हैं, उनका अलग अलग जो प्रोडक्शन के वर्क के अंदर, वेरियस प्रोडक्शन वर्क के अंदर कह सकते हो आप, या जो अलग अलग सेक्टर्स उनका डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसा क्या करती है, यूटिलाइज करती है, उन पैसों का यूज करती है। यानी जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स है, तो बैंक उस पैसों को यूटिलाइज कैसे करेगा, सही तरीके से यूज कैसे करेगा, तो जो अलग अलग जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज उनके अंदर, या कह सकते हो जो भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में, उनके डेवलपमेंट के अंदर बैंक उन पैसों का क्या करती है, उन डिपॉजिट्स का यूज करती है। सेकेंड देखते हैं, रिसीव हाई इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर्स। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको डेवलपमेंट के लिए बैंक क्या करती है, उनको क्रेडिट करती है, मींस उसको लोन्स देती है, तो ठीक है ना। तो जो क्रेडिट जब उन बैंक उन अलग अलग सेक्टर्स को देती है, तो उससे क्या होता है, बैंक को हाई इंटरेस्ट अवेलेबल होता है। कहने का मतलब बैंक उनसे पैसा क्या होता है, इंटरेस्ट के तौर पर क्या करती है, ज़्यादा लेती है। और ज़्यादा पैसा बैंक के पास आएगा तो बैंक क्या करती है, उनको जो पुअर सेक्शन होता है या सोसाइटी में वीकर सेक्शन होता है, उनको लो इंटरेस्ट पर, कम इंटरेस्ट पर क्या करती है, वो क्रेडिट करने का काम करती है। अगला देखा था, बैंक्स प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले बता दें, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए बैंक का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के पास अगर अलग अलग पैसा रहेगा, अपनी सेविंग रहेगी, तो शायद उसका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको नीड नहीं है इन्वेस्ट करने की, किसी के पास पैसा कम है तो उसको नीड है कि वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास में क्या होता है, क्रेडिट नहीं हो पाता, उसके पास में जो अमाउंट या उसके पास में जो कह सकते हैं मनी नहीं होने के चांसेस में क्या होते हैं, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन बैंक्स क्या करती है, जो उनको क्रेडिट करती है, और जो इंडिविजुअली पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो रही है या इंडिविजुअल कोई अपने आप को डेवलपमेंट कर रहा है, तो कंट्री उससे क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। तो ये भी एक बैंक का रोल है। बैंक्स मेक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होता है उनका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में बैंक का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि अगर आपके पास में रिसोर्सेज तो है, उस रिसोर्सेज से आप उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या उससे आप पैसा अर्न करना चाह रहे हो, उसे मनी अर्न करना चाह रहे हो, प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो, तो उसमें बैंक्स क्या होते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़्यादा कैसे सेक्टर्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं होता है, अंडर डेवलप्ड होते हैं, तो बैंक्स को क्या करती है, क्रेडिट देती है, और क्रेडिट्स क्या करती है, वो अपने आपका डेवलपमेंट करते हैं। सेवन, बैंक्स प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय गिविंग क्रेडिट टू देम।
जैसे मान लो सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन है, कोई वीकर पुअर सेक्शन मिल जाएगा, कुछ रिच जो सेक्शन मिल जाएगा, तो इनमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है कि जैसे पुअर सेक्शन क्यों है, पुअर ही क्यों है, वीकर सेक्शन वीक ही क्यों रहा, क्योंकि उसको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं, वो बिजनेस करना चाह रहा है लेकिन मनी उसके पास में अवेलेबल नहीं है, किसी कंडीशन क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि वो नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, बैंक क्या करते हैं उनको डेवलप करने के लिए या अपना प्रॉपरली ऑलराउंड डेवलप करने के लिए बैंक क्या करती है, उनको क्रेडिट देती है, और क्रेडिट देने से क्या होता है, सोशल जो वेलफेयर होता है सोसाइटी के अंदर वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कि जब डिफरेंस कम होता है पुअर और रिच के बीच में, तो ऑटोमेटिकली सोशल जो वेलफेयर होता है उसी कंडीशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन डिपेंड ऑन द बैंक, किसी कंट्री के अंदर कितना इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर रहा है तो उसी का भी जो फैक्टर्स होता है वो भी डिपेंड किस पर करते हैं, बैंक पर डिपेंड करनी है। क्योंकि अगर देखो इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो क्रेडिट चाहिए होता है, कभी कभी क्या होता है रिस्क वाले जोन होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, कभी मान लो रिसेशन आ गया, इकोनॉमिक रिसेशन है, जो भी पैसा नहीं चल रहा है या मान लो कस्टमर से नहीं है, तो इसी कंडीशन क्या होता है इंडस्ट्री को लॉस होता है, तो लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक क्या करते हैं वो क्रेडिट देती है। तो ऐसी कंट्रीज ऐसी सिचुएशन में कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अगर इंक्रीज हो रहा है कहीं जगह डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, बैंक का होता है। तो ये सारी चीजें होती है जो बैंक क्या होती है या कमर्शियल बैंक के उनके रोल माने जाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक होती है या कोई भी बैंक्स होती है उनके एक्चुअल में फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या वर्क करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इससे पहले हमने रोल ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ा था। फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक ये क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि बैंक्स का फंक्शन क्या है, बैंक्स वर्क क्या करती है, रोल एक अलग होता है कि रोल का मतलब अगर बैंक्स हैं तो ये चीज़ें बैंक का रोल होता है, ये चीज़ें बैंक करता है, ये बैंक करती है, ये क्या होता है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। यानी बैंक इसी के नाम से क्या होता है कि आइडेंटिफाई होता है। तो जो मेजरली देखा जाए तो इसके अंदर जो टू इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, फर्स्ट होता है कि जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करना, यानी जो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक, यानी डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना, ये बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आफ्टर दैट बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर इंडिविजुअल फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। बैंक होती है जो एक इंडिविजुअल, जैसे कि अगर आपके पास में किसी एक इंडिविजुअल अगर आपके पास अगर आपका अकाउंट है बैंक के अंदर, तो आपसे वो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। कोई फर्म्स होती है, इंडस्ट्रीज होती है या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे बैंक क्या करती है डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेती है। कंपल्सरी नहीं कि इंडिविजुअल का कोई इंडिविजुअल अगर आपका अकाउंट हो तो उसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। आप किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से किसी फॉर्म्स के नाम से भी अगर अकाउंट्स है तो बैंक उससे भी क्या कर लेती है, यानी जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती है। ये है बैंक का सबसे ये फर्स्ट काम। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की, डिपॉजिट के बेस पर कि आपका बेस क्या डिपॉजिट करवाने का, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि जो टू मेजरली अकाउंट्स होते हैं जिनका यूज कॉमन पर्सन एज वेल एज बिजनेसमैन जो सब लोग करते हैं, तो जो सबसे पहले बताया जा रहा है अकाउंट के मैटर में, तो वो है करंट अकाउंट, यानी कि डिपॉजिट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कह सकते हो, इसको टाइप ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हो, कि जो हमारे बैंक में अकाउंट्स होते हैं तो उस अकाउंट का टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन, पढ़ेंगे करंट अकाउंट, इट इज फॉर बिजनेसमैन, यानी जो आपके करंट अकाउंट होता है यानी इसमें जो डिपॉजिट करवाने के काम होते हैं वो कौन करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि इनके सबके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी बिजनेसमैन जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ज्यादातर वो करंट अकाउंट का यूज करते हैं, इसमें अपना डिपॉजिट बैंक के अंदर वो डिपॉजिट करवाते हैं। दे कैन एक्चुअल में इसमें होता है कि करंट अकाउंट पढ़ते थे अपन, दे कैन डू मेनी ट्रांजेक्शन इन अ डे, करंट अकाउंट के अंदर आप एक दिन के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसमें किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, किसी तरह का बाउंडेशंस नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर वन डे के अंदर इतना ही आपको ट्रांजेक्शन करना है, इतना ही आप बैंक से जो विड्रॉल कर सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ये बहुत सारे एक दिन के अंदर जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर, आप एक टाइम के अंदर वन डे के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बिजनेसमैन को नीड होती है कभी डिपॉजिट, उनको डिपॉजिट भी करवाना पड़ता है, कभी विड्रॉल भी करवाना पड़ता है, तो ऐसी घंटे में उनके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट करंट अकाउंट होता है। अब इससे जो करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं, तो बैंक प्रोवाइड्स जीरो और वेरी लो इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट। बताया जा रहा है कि करंट अकाउंट पर क्या होता है कि जो बिजनेसमैन को या तो जीरो इंटरेस्ट मिलता है या वेरी लो, बहुत ही कम यहाँ पर आपको कह सकते हैं इंटरेस्ट
अवेलेबल होता है, यानी करंट अकाउंट पे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होती है, तो वेरी लो होती है या फिर अकॉर्डिंग जीरो होती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन बार बार होता रहता है, इतना निकाल इतना अपने आज जैसे जितना अगर आपने 1 लाख डिपॉजिट करवाया तो उसने 50 निकाल लिया, अगर ने 2 लाख करवाया तो 3 लाख, जैसे ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो बैंक वो प्रॉपर डेटा नहीं हो पाते कितने टाइम तक कितना पैसा रहा, इसी वजह से यहाँ पर जीरो या वेरी लो इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है। सेकेंड आता है आपके सेविंग अकाउंट, यानी डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट में भी आप अपना डिपॉजिट करवा सकते हो, और बताया जाता है इट इज फॉर कॉमन पीपल, यानी जो सेविंग अकाउंट का जो यूज होता है, तो सेविंग कॉमन पीपल होते हैं वो ज्यादातर जो डिपॉजिट होता है वो सेविंग अकाउंट के अंदर ही डिपॉजिट करवाते हैं, ज्यादातर जो सेविंग अकाउंट जिसमें मतलब अपनी सेविंग को अपन इकट्ठा कर सकते हैं, नॉर्मल कम होता है इसके अंदर ट्रांजेक्शन बहुत कम होता है, और इसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। इसमें देने का है कि यहाँ पर दे कांट डू मेनी ट्रांजेक्शन इन अ डे, जैसे कि अपन पढ़ा था जो करंट अकाउंट में क्या होते हैं, एक दिन के अंदर इन अ डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं और कुछ ऐसे चीजें होती है जिससे कि हम विड्रॉल होते हैं वो बहुत ही कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास में ज्यादा ट्रांजेक्शन करने का जो टाइम पीरियड आपके वो यहाँ पर नहीं होता है, फिक्स होता है, जिसके अंदर फिक्स क्वांटिटी में भी अपन या फिक्स नंबर में अपन क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, या फिक्स जो क्वांटिटी में अपन क्या करते हैं, डिपोजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर। बैंक प्रोवाइड्स रीजनेबल इंटरेस्ट, वो बताया जा रहा है जो उनके डिपॉजिट्स होते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, जो भी जो कॉमन पीपल के डिपॉजिट्स होती है उन पर जो बैंक होता है वो उनको एक रीजनेबल इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, यानी इंटरेस्ट इस पर थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये तो अपन ने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आफ्टर डेट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइडिंग लोन्स। लोन्स को प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, बैंक करता है। तो किसको करेगा तो भी पढ़ लेते हैं अपन। प्रोवाइडिंग लोन यानी दे प्रोवाइड लोन्स टू ऑल सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन एक्सेट्रा। बताया जा रहा है जो लोन्स देने का काम होता है, तो बैंक्स होती है सोसाइटी के या कंट्री हर एक सेक्टर को, हर एक सेक्टर को जो लोन देने का काम करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, अलग अलग जो आपके जो भी जो आते हैं सेक्टर्स आते हैं उन सेक्टर सभी सेक्टर को बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। डिफरेंट ये है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वेरियस टाइप ऑफ लोन्स इज डिफरेंट। जो अलग अलग टाइप्स के लोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोन्स होते हैं, उनपे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट आएगा, आप इंडस्ट्रियल लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग आएगा, पर्सनल लोन लेते हो आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट आएगा, हाउसिंग लोन लोगे आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट आएगा, यानी अलग अलग जो लोन्स के टाइप्स होते हैं उनपे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज मोर देन द बैंक्स यूज्ड टू डिपॉजिट्स। बताया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन्स जो बैंक हमें लोन्स देता है तो लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मोर होता है, ज्यादा होता है जितना बैंक हमें डिपॉजिट पर देती है। जैसे कि हमारे अकाउंट में अगर 10,000 रुपीज अगर डिपॉजिट है तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उतने ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट हमें लोन पर लेते हैं। अगर हमने बैंक से अगर 10,000 का अगर लोन लिया है तो उस पर जितना बैंक इंटरेस्ट लेगा उतना उससे हमें कम इंटरेस्ट हमारे डिपॉजिट पर मिल रहा है। कहने का मतलब है लोन पे लोन हम प्रोवाइड करवाते हैं बैंक या लोन हम लेते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाई होता है जितना हमें डिपॉजिट के ऊपर मिल रहा है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अदर फंक्शंस, कुछ अदर फंक्शंस भी है इसके अंदर, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दे कलेक्ट बिल्स और चेक, यानी इसके अलावा बैंक्स होती है जो बिल्स होते हैं अलग अलग तरह के जिनको हमें वेरीफाई करवाना पड़ता है, या मान लो हम डायरेक्टली बैंक से अगर पैसा कटवाना चाह रहे हैं तो वो इसके साथ चेक होती है, उनको कलेक्ट करने का काम भी कौन करता है, बैंक करते हैं। चेक के थ्रू भी पैसा मिल जाता है आपको, चेक भी बैंक कलेक्ट कर सकता है। अगला तरीका है दे प्रोवाइड या बैंक प्रोवाइड लोकल फैसिलिटी, बैंक होता है हमें लोकल फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं। आप जानते हो अगर आपके पास नोट ज्वेलरी है तो आप ऐसी कंडीशन में बैंक में जाकर उनको लॉकर के अंदर रख सकते हो, तो बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी भी देता है, उसके ऊपर आपको अगले तरह के जो इंटरेस्ट होते हैं अगर वगैरह वो भी मिलते रहते हैं। अगला तरीका है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट, यानी बैंक होता है बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं कि अगर मान लो आपका अगर मान लो कुछ इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट अगर आप कर रही है, यानी कोई इंस्टॉलमेंट चल रही है, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है
तो उसकी जो इंश्योरेंस जो आपके इंस्टॉलमेंट होती है उनको रेगुलर पेमेंट करना है। कहने का मतलब बैंक में अगर आपके डिपॉजिट है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है बैंक से क्या होता है कट होता रहता है। बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है आप बैंक के पास अवेलेबल करवा दीजिए, तो बैंक ऑटोमेटिक क्या करेगा उसको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता रहता है। ये फैसिलिटी भी बैंक के थ्रू मिलती है हमें। आफ्टर दैट वे बैंक्स कलेक्ट वेरियस स्टैटिस्टिकल डेटा एंड प्रोवाइड टू वेरियस एजेंसीज। इसके बाद में मान लो कुछ एजेंसी जैसे कि अलग अलग CBI हो गया या फिर IB हो गया या कोई भी NSA हो गया, जो भी एजेंसीज होती है गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, अगर उनको किसी पर्सन की नीड है कि उनको कोई डेटा चाहिए होता है तो पर्सनल डेटा जो होता है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बैंक करता है। या फिर मान लो कुछ एजेंसीज को मेजरमेंट करना है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे है, कितने अकाउंट कौन से है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है ना, करंट अकाउंट कितने हो गए, तो वो सारी चीजें भी जो जितने भी डेटास होते हैं उन डेटास को प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है बैंक करता है। एंड फैसिलिटी ऑफ मनी ट्रांसफर, इसके अलावा बैंक होती है जो हमें मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है कि जैसे हमारे अगर अकाउंट के अंदर पैसा है अभी मनी है अगर उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो बैंक से कर सकते हैं अपन, या किसी को मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी पैसा देना है किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा देना है तो भी हम बैंक से क्या कर सकते उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी बैंक हमें अवेलेबल करवाता है। और जो लास्ट आप कह सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट कि बैंक होता है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है कंट्री का हाईली तो वहाँ पर बैंक होता है उसका एक अपना ही क्या होता है एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये सारी थी आपके यहाँ पर जो फंक्शन कमर्शियल बैंक। तो बैंक एक पढ़ा था आपने से पहले बैंक एक इंस्टीट्यूशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो आपके सोर्सेज है मनी का, ठीक है ना, या कह सकते हो पैसों का फाइनेंस का कह सकते हो आप। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा वो रहेगा नॉन इंस्टीट्यूशनल और जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें मनी लेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, लोकल बैंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, चिट फंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो होगा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। देखो इसके बाद हमारा जो कमर्शियल बैंक के फंक्शन के बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ मनी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था बैंक को माना गया है कॉन्स्टिट्यूशनल या सॉरी बाय मिस्टेक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ मनी बैंक को माना गया है, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो रहेगा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ मनी। कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ मनी कौन कौन से, तो इसके पहले हम डिस्कस किए थे मनी लेंडर्स, लोकल बैंकर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, SSG एंड चिट फंड, ऑल्सो दे आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ मनी। तो आज का हमारा डिस्कस का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकल बैंकर्स। लोकल बैंकर्स क्या होते हैं उसके हम देख लेंगे अपन। तो बताया जाएगा लोकल बैंकर्स आर दोज प्रोवाइड फॉर प्राइवेट फर्म्स और पर्सन हु वर्क्स एज अ बैंक्स, यानी जो लोकल बैंकर्स होते हैं वो सारे ये सारे वो प्राइवेट फर्म्स होते हैं यानी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक बैंक की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है ना, काम करते हैं। यानी कोई ये लोकल बैंकर्स एक कह सकते हैं पर्संस भी हो सकते हैं एज वेल एज कुछ प्राइवेट फर्म्स भी हो सकती है जो एज अ बैंक वर्क करती है, यानी बैंक के तरह मतलब कह सकते हैं इनका वर्क होता है। और बताया जा रहा है ऐसा कि बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न बैंक्स, जो भी आप मॉडर्न बैंक्स देखते हो जो भी बैंक्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये बताया जा रखा है जब इंडिया के अंदर बताया जा रखा है कि जिस मॉडर्न बैंक का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था उससे पहले जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो लोकल बैंकर्स के थ्रू ही किए जाते थे। कि अभी जो हमारे पास में अभी हमारे पास में जो भी जो सोर्सेज हैं या जो भी मॉडर्न बैंक हमारे लिए काम करती है वो सारे सारे काम थे वो पहले जितने भी इंटायर बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो सारे सारे लोकल बैंकर्स के थ्रू ही किए जाते थे। और लोकल बैंकर्स को इम्पोर्टेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ मनी माना गया है क्योंकि ज़्यादातर इसका जो वर्क था या वर्क है वो बिल्कुल एकदम बैंक के तरह होता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी माना गया है। समझ गया, पहले तो ये बता रखा है कि लोकल बैंकर्स के प्राइवेट फर्म्स हो सकती है या प्राइवेट कोई कैटेगरी पर्सन हो सकता है जो एज ए बैंक वर्क करता है। सेकंड है कि इंडिया में जो मॉडर्न बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उससे पहले बताया जा रहा है जो भी इंटायर जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो आपके इनके थ्रू ही किए जाते थे। अब पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ लोकल बैंकर्स।
इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो बस जो बैंक है वही इसके रहेंगे, जैसे एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट बाय द पीपल, कि जो लोग होते हैं उनसे जितने भी डिपॉजिट है उनको एक्सेप्ट करना, इनका एक फर्स्ट पर्सन है। सेकंड रहेगा ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मनी को ट्रांसफर करना, जैसे बैंक से बैंक अपन ट्रांसफर करते ही है, तो ये वाला काम भी यहाँ पर लोकल बैंकर्स करते हैं। थर्ड है टू रन देयर ओन बिजनेस अपॉन बिजनेस अलोन विथ बैंकिंग वर्क, यानी एक तो ये अपने आप को भी डेवलपमेंट करने का काम करते थे और साथ में जो बैंकिंग का वर्क होता है वो भी करने का ये काम करते थे, क्योंकि ये भी एक प्राइवेट फर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इनके एक तो अपना बिजनेस को भी डेवलपमेंट करना है और साथ साथ बैंकिंग वर्क भी करना है, तो दोनों वर्क को करने का काम ये करते हैं। अगला देखा है डूइंग ट्रांजेक्शन्स विद स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन, यानी इनका जो ट्रांजेक्शन है यानी इनका जो वर्क करने का प्रोसेस है, किसके लिए वर्क करते हैं या किसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते थे, साथ में बिजनेसमैन है उनके साथ में इनका ट्रांजेक्शन होता था, यानी दोनों तरह के सभी जो सेक्टर्स होते हैं सभी को ये फैसिलिटी देने का काम करते थे। सर्विंग कस्टमर्स नॉट ओनली एज अ बैंकर्स बट ऑल्सो एज फ्रेंड्स एंड एडवाइजर्स, यानी जो एक सर्विंग यानी का मतलब जो कस्टमर्स के सर्विंग करते हैं उनको सर्विस देते हैं, तो ये एज अ बैंकर नहीं देते हैं बल्कि बताया जा रहा था इन्होंने कि ये एक एज अ फ्रेंड एक एडवाइजर जो कस्टमर्स को ये क्या करते हैं ट्रीट करने का काम करते थे, यानी जो कस्टमर को हेल्प करना को एडवाइस करने या उसका ट्रीट करना उनका बिहेवियर होता था वो एज अ फ्रेंड ये एज अ एडवाइजर हुआ करता था। प्रोवाइडिंग लोन्स, यहाँ लिखा हुआ आगे प्रोवाइडिंग लोन्स, यानी कहने का मतलब जो बोरोवर्स होते हैं जो लोन्स देते हैं तो बोरोवर्स को एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बेस पर जितने भी बोरोवर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम भी कौन करते हैं लोकल बैंकर्स करते हैं, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उन्हीं के बेस पर ये बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके बाद देखा है मॉर्गेजिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोवर्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, मॉर्गेजिंग का मतलब समझ सकते हो आपकी जो कोई जैसे कि कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को एज ए प्रूफ या एज ए कह सकते हो, मेरे पास एक एज ए प्रूफ या एज ए कह सकते हो ट्रस्ट के तौर पर मेरे पास रह सकते हो और उसी के बेस पर ये बोरोवर्स को क्या करते हैं लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आपने इंश्योरेंस दिए अपने इंश्योरेंस पढ़ाया होगा या फिर आप कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट में कोई चीज देते हैं कि भाई जैसे कि मेरे पास प्रॉपर्टी है मेरे पास कोई भी चीज जैसे कि मेरे को कोई लोन लेना है बाइक पर तो बाइक का डॉक्यूमेंट्स क्या करूंगा मैं उनके पास प्रोवाइड करवा दूंगा वो एज ए मॉर्गेजिंग, यानी एक चीज वो इसको बोलते हैं हिंदी में गिरवी रखना, तो ये उनके पास हम रख देंगे उसके बदले में जितना अमाउंट जितनी वैल्यू है उस चीज की उसके बदले में क्या करते हैं लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे आपने हाउसिंग लोन वगैरह देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहां पर रखे जाते हैं और उसकी जितनी वैल्यू होती है उसके हिसाब से क्या करते हैं लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो ये भी एक इनका लोकल बैंकर्स का काम होता है। तो ये लोकल बैंकर्स सबसे इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बताया जा रहा था इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ मनी माने गए। इसके बाद तीन और फैक्टर्स है तीन के बारे में पढ़ेंगे, मनी लेंडर्स हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया और उसके बाद में चिट फंड हो गया। थैंक यू।